अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आज हमारे पास 1707 मॉडल है, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि इसका ये डिस्प्ले है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे फुल ओपन करूंगा तो स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। तो मोस्टली लोगों को पता है कि इधर से प्रॉब्लम होती है कि बेसिकली इसकी यहाँ पे स्ट्रिप होती है जो बैक लाइट की होती है, तो वो डैमेज हो जाती है, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो आज उसको रिपेयर करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि रिपेयरिंग के बाद ये इसका कितना परफेक्ट काम करती है, नहीं करती। और अभी इसको ओपन करते हैं, फिर इसके काम करते हैं। तो जैसे कि हमने ये सारा खोल लिया, इसका पूरा ये स्क्रूज रिमूव कर लिया, तो आपको एक चीज दिखाएंगे। जैसे ये देखें, ये डैमेज हो जाती है केबल, यहाँ से ये देखें आपको नजर आ रहा होगा। जैसे इसको बैंड करेंगे ना, ये देखें क्रैक आता है, यहाँ पे ये क्रैक आ रहा है। तो इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, इसको जम्पिंग करेंगे क्रैक को, तो मेरे आई होप सो ये हो जाएगा। ये देखें क्रैक का, ये देखो क्रैक हो गया, केबल बैंड होने की वजह से ना क्रैक हो जाती है। ये देखें ये क्रैक आ रहा है, ठीक है, ये क्रैक नजर आ रहा है, ये क्रैक है, ये क्रैक आ रहा है यहाँ पे, ये देखें ये क्रैक नजर आ रहा है। तो इसको हम रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, फिर आप देखेंगे ये काम सक्सेसफुल होता है या नहीं होता। बस होप सो हो जाएगा इसी से। अभी हम रिमूव कर लेते हैं। तो जैसे कि इसकी ये केबल है, इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, ठीक है, खोल लेते हैं। खोलने के बाद हम चेक कर लेंगे, ठीक है, ये हमारा केबल क्रैक था, हम ज्यादा ये क्रैक है, ये सारी केबल क्रैक आ रही है। अभी इसको रिपेयर करते हैं। तो हमारे पास इतना की टेप हो गई है, ठीक है, इसको हमने पहले इस जगह पे लगाया कि बॉडी स्क्रैच से सेव रहे। हमने ये कर लेना है, एक केबल पे जंप करनी है, जो केबल इसके इधर आगे आ जाएगी। हमने ये केबल के लिए भी एक जंपिंग करके ये लगा दी है कि केबल भी हमारी बाहर तक आ जाए। और ये हमारे पास ये देखें आ गई है। अब ये क्या करना है कि इसको स्क्रैच करना है। अभी हम इसको स्क्रैच करेंगे। ये देखें जैसे कि ये क्रैक है, ठीक है, ये क्रैक है, तो हमने इसको क्या करना है, हमें स्क्रैच करना है। इसको स्क्रैच करने के लिए मैं आपको इसको यहाँ पे कर लेते हैं, स्क्रैच कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से, क्यों करके हमें स्क्रैच कर लेना है इसको, जो चीज जगह पे जहाँ पे स्क्रैच होनी है, ठीक है, ठीक है। ऐसे हमने सारा स्क्रैच कर लेना है, ठीक है।
हमारे पास एक ही ब्लैक कलर की वो है, तो मैं इस पर एक सीमेंट लगा लूंगा। ठीक है, ठीक है, इसके बाद इसको अपने अपने प्रॉपर वो कर लेना। ठीक है, ये करने के बाद हमारे पास एक फैब्रिक की टेप है। ठीक है, फैब्रिक टेप हमने क्या करना है कि यूँ लगा लेना हमने फैब्रिक को सारा, और इसको इसके साथ बराबर करके थोड़ा सा ऊपर कर लो, बेशक इसके ऊपर लो और उस पर आ जाए, इशू नहीं है। इस तरह करके इजीली आप लगा सकते हैं, जो आपके ना कनेक्टर को प्रॉब्लम नहीं करेगा। ये देखें तो ये अभी कनेक्टर तैयार हो गया। अब इसका डिस्प्ले लेते हैं, उसको मैं रिमूव कर लेता हूँ जो पेपर लगा देंगे। ठीक है, इसको भी रिमूव कर लेता हूँ। चल तो ये जैसे कि हमने अभी क्लोज कर लिया, क्लोज करने के बाद अभी इसको हम लोग यहाँ से ये देखें ऑन होती थी और यहाँ पे इसका डिस्प्ले खत्म हो जाता था, तो अभी डिस्प्ले फुल हो गया। ये देखें यहाँ पे आ गया और यहाँ पे ये देखें मूव करने से भी कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रही, और मतलब कि डिस्प्ले आपका स्टेबल ही है, कोई बंद नहीं हो रहा। तो ये प्रॉब्लम था और रिजोल्व किया जहाँ से, ठीक है, और आपके सामने था काम भी। और ये देखें यहाँ पे उसको मैंने फैब्रिक किया कि स्ट्रॉन्ग भी रहे और इसके पास मतलब शॉर्टेज ना क्रिएट हो, ये सारा काम आज हमने किया। तो आज के लिए इतना ही काफी है। मजीद वीडियो के लिए इंशाल्लाह और अच्छे से आइडिया लाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। आज के लिए थैंक यू और शुक्रिया।